कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? इंटरेस्ट एंड एनुइटी, बराबर। इसमें हमने स्टार्टिंग में सिंपल इंटरेस्ट देखा था, सिंपल इंटरेस्ट, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, बाद में एनुइटी देखा था। एनुइटी में हमने एक्युमुलेटेड वैल्यू ए निकाला था। ए का थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद होगा तो सी अपॉन आई वन प्लस आई रेस टू के एन माइनस वन ना, ओके, इसमें से माइनस वन, ऐसे फॉर्मूला था ना, क्लियर। इसमें I क्या होता है, I की वैल्यू कैसे निकालते हो, R अपॉन K इनटू 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेयर R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट और K की वैल्यू चेंज होती है। इफ पेमेंट्स आर मेड एनुअली देन K इज इक्वल टू 1, इफ पेमेंट्स आर मेड 6 मंथली देन K इज इक्वल टू 2, एंड पेमेंट्स आर मेड क्वार्टरली देन K इज इक्वल टू 4, ओके, एंड इफ पेमेंट्स आर मेड मंथली तो K इज इक्वल टू 12, ओके, सिंपली। वैसे आपको है ना अभी एक्युमुलेटेड वैल्यू के बाद सीखना है आपको प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा सा समझो क्या होता है। देखो एक्युमुलेटेड वैल्यू में क्या सीखा था, एक समझो 1000 आप मंथली पेमेंट कर रहे हो तो एक साल में आप 12000 रुपए जमा कर रहे हो बैंक में, बट बैंक देते समय आपको 12000 रुपीज नहीं रिटर्न देगी, ज्यादा अमाउंट देगी, पता है ना, विथ इंटरेस्ट, मतलब आपके अमाउंट तो टोटल 12000 जमा हो गया बट उसके हिसाब से बैंक आपको 13000 दे रही है, 13000, तो 1000 का इंटरेस्ट दे रही है, क्लियर। ये हमने एक्युमुलेटेड वैल्यू में देखा था, 13000 इज एक्युमुलेटेड वैल्यू, क्लियर। अब प्रेजेंट वैल्यू में उससे उल्टा प्रोसेस होता है, बैंक आके आपको क्या बोलती है कि हाँ आप इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट करो, बाद में हम आपको मंथली कुछ पेमेंट देंगे, क्लियर, उसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। लेट से आपने टारगेट रखा है कि आपसे वो अमाउंट ले रही है बैंक 12000, ऐसा एज्यूम करते हैं, तो बैंक अभी क्या करेगी 12000 डायरेक्टली डिपॉजिट करती है, आप क्या करोगे खुद से 12000 डिपॉजिट करोगे बैंक में, उसके हिसाब से बैंक क्या करेगी एक मंथली या फिर ईयरली पेमेंट काउंट करेगी, वो आपको हर बार मिलता जाएगा जब तक ये अमाउंट खाली ना हो जाए, विथ इंटरेस्ट, और विथ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब बैंक क्या करेगी 1000 पेड करेगी अप टू 13000, समझ में आ रहा है, जब तक 13000 नहीं होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ 13000, मतलब 12000 रिटर्न नहीं देगी, कितना देगी 13000 इंटरेस्ट पकड़ के देगी, क्लियर। अब इस केस में जो 12000 अभी आपने पेड किया ना उसे कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू, पीवी, ये समझ में आया, प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें देखते हैं। ये मोस्टली ईएमआई के कंसेप्ट पढ़ी है अभी ने, कभी ईएमआई सुना तो होगा कि कुछ भी चीज लेते हो ईएमआई पे लेते हो, मोस्टली मंथली पेमेंट करते हो, उसके हिसाब से चलते हैं। चलो जैसे कि ना समझो एक 15000 का टीवी है, ओके, आप दुकान पे जाते हो और ये खरीदने के सोचते हो, यहाँ 15000 का टीवी है, बट आपके पास अभी तो 15000 नहीं है, आप क्या करते हो, मेरे अकाउंट में अभी 5000 रुपये इतना तो है, इतने का आप डाउन पेमेंट करोगे, ये सुना होगा ना डाउन पेमेंट क्या होगा, क्लियर, डाउन पेमेंट करोगे इतना अमाउंट तो अभी दे दोगे उसको, क्लियर। अब बचा कितना हो जा 10000, 10000 को आप पेड करोगे मंथली इंस्टॉलमेंट में ईएमआई के हिसाब से, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपने सोचा कि हाँ एक 1000 का एक हर महीने का इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, ओके, ऐसे आपने पूरे 12 महीने एक साल तक इंस्टॉलमेंट दिया 1000 ऐसे पूरा अप टू 12 मंथ्स पूरा इंस्टॉलमेंट दिया। अब मुझे बताओ ये जो आपने अमाउंट पेड किया कितना है, ये अमाउंट कितना है 12000। अब आप सोचोगे सर ये तो 10000 पेड करना था पर हमने तो पेड किया कितना 12000, ऐसा क्यों हुआ, इंटरेस्ट, ऑब्वियसली बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी, ये 10000 नहीं लेगी ज़्यादा, 2000 ज़्यादा ले रही है, मतलब 20% इंटरेस्ट लगा रही है, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर, हाँ चलो। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन में आपको ना टीवी की प्राइस नहीं देंगे, ये नहीं देंगे 15000, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक सर्टन आदमी है, कुछ समझो मैंने एक 5000 का डाउन पेमेंट किया और उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट है मैंने ईएमआई के हिसाब से 1000 ऐसे 12 महीने पेड किया या फिर 12 साल पेड किया, ऐसे एज्यूम करते हैं, क्लियर, ओके। तो वो बोल रहे कि टीवी की प्राइस कितनी है, अभी की प्राइस कितनी है टीवी, समझ में आ रहा है, नहीं 17000 नहीं होगी अभी, मतलब टीवी की एमआरपी कितनी थी, समझ में आ रहा है, एमआरपी तो 15000 है, आप 15000 कैसे निकालोगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले डाउन पेमेंट है ये दिया, ओके, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी है, ये नहीं दिया, ये भी नहीं पता हमें, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या, आप 1000 का इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन दिया, इसका तो फिलहाल तो यूज़ नहीं होगा,
1000 का कैसे यूज करोगे इसको, आपको पता है ना कि जो रेगुलर पेमेंट करते हो, पीरियोडिक पेमेंट करते हो उसको क्या कहते हैं, सी, सी से इंडिकेट करते हो। तो आपको ये पता चल गया कि 1000 मेरा सी है, सी इज इक्वल टू वैल्यू मिल गई। सी का यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, पी मतलब इसका यूज करके आप क्या निकालोगे, 10,000 निकालोगे, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? मतलब जो 1000 पेड कर रहे हो ना उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10,000 है, ये मिल गया। अब ये 10,000 मिलने के बाद डाउन पेमेंट में उसके साथ, डाउन पेमेंट के साथ उसको जोड़ दो, 5,000 प्लस 10,000 आपको टीवी की प्राइस मिल जाएगी 15,000। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? उल्टा सॉल्व करना है, 1000 के हिसाब से आपको 10,000 ये वैल्यू निकाल लिए प्रेजेंट वैल्यू, उसमें आपको डाउन पेमेंट ऐड करना है, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टीवी या फिर प्राइस ऑफ टीवी मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैसे है, आपको ये तो पता दिया मैंने, सी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, बट कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 - 1 + i - 2 - kn। ये नोटिस करना, यहाँ पे ऊपर माइनस के एन। क्लियर? हाँ, यहाँ पे ये सब टर्म आपको पता है कि P क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, PV शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, C क्या होगा, पीरियोडिक पेमेंट, जो मंथली, ईयरली, सिक्स मंथली ऐसे कुछ पेड कर रहे हो, ये बताए ना, पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। उसके बाद I जो होता है उसकी वैल्यू याद होगी शायद, I इज इक्वल टू आर अपॉन के इन टू 100 ना, ओके, वेर R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लास्ट टाइम देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, K की वैल्यू क्या होगी रे, चेंज होती रहेगी, K इज इक्वल टू 1 इफ पेमेंट्स आर मेड एनुअली, K इज इक्वल टू 2 इफ पेमेंट्स आर मेड सिक्स मंथली, K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 4 क्वार्टरली, और K इज इक्वल टू 12 मंथली। ये सबको पता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखो, ये एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है इसमें, ओके। एक ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर ना, इसका मतलब ये इनवर्स है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास 10^-2 है, तो आप ये कैलसी पे कैसे निकालोगे, सिंपल 1/10 का स्क्वायर करना, इसका मतलब ये नेगेटिव पावर मतलब वो 1 के नीचे, क्लियर। जैसे कि मैंने 5^-2 किया, तो ये 1/5 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो एक्चुअल में ये कैसा है, 1/1 + i^kn है फॉर्मूले के हिसाब से, बट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे माइनस के एन जोड़ दिया, क्लियर। हाँ, वो कैलसी पे कैसे काउंट करोगे वो सब बताऊंगा मैं, ओके। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 76 देखना, एक्सरसाइज मिल गई। पहला क्वेश्चन आपका ये केतन वाला है, बट आपको पहले क्वेश्चन पे नहीं जाना है, डायरेक्टली 76 क्वेश्चन देखना, मिल गया। क्या दिया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी के आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये 76 नंबर क्वेश्चन है, ओके। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो ऑफ रुपीज 50,000 पर ईयर, तो 50,000 क्या है, सी है, एग्जैक्टली, सी इज इक्वल टू रुपीज 50,000, ओके, फॉर 4 years, तो एन इज इक्वल टू 4 years, ओके। उसके बाद आर इज इक्वल टू 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, कंपाउंडेड एनुअली, इससे पता चल रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 1, बराबर, अगर के मिल रहा है तो आई भी निकाल सकते हो ना, आई की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन के इंटू 100, हाँ ऐसा फॉर्मूला है, आर के जगह 8 लिखोगे, के जगह 1 × 100, बराबर, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.08, एग्जैक्टली, क्लियर। अब सोल्यूशन, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पी, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई 1 - 1 + i^2 - kn, ठीक है, कटआउट वैल्यू बोलना, c के जगह क्या लिखना है, 50,000, वेरी गुड, i के जगह 0.08, ओके, 1 - 1 + i, अगेन 0.08, k इज 1 ना, k इज 1 × n = 4, क्लियर। एक एक सॉल्व करके बताना, इसकी वैल्यू बताना, 50,000, 625,000, ओके, 625,000, ये 1 माइनस, इसकी वैल्यू देखो 1.08 होती है, 1.08 - 4 करना है। अब माइनस 4 कैसे निकालोगे, आपको 4 ही निकालना है, ओके, मैं बताता हूँ कैसे, 1.08 है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस 4, तो आप फिलहाल तो ये माइनस का साइन भूल जाओ, ओके, सिंपली 1.08 - 4 निकाला, कैलसी में निकालो, 1.08 - 4 हो गया, कुछ वैल्यू आ गया,
हाँ, उसके बाद डिवाइड इज इक्वल टू, ये पहले भी किया है, इनवर्स निकाल रहे हो ना, डिवाइड इज इक्वल टू कितनी वैल्यू 0.735029 जो कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है, मैं तो इतना लिखता हूँ। अब देखना आपको क्या करना है, वन में से ये सेपरेट करना है, तो कैल्सिफिक झंझट क्या होगी, फिर से वन टाइप करो और बाद में ये वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या करो, उल्टा करो, जो कुछ भी वैल्यू आई ना उसमें से वन सेपरेट करना। आ गया, वैल्यू शायद निगेटिव में आएगा बट हमें निगेटिव आंसर नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने उल्टा प्रोसेस किया है, हमारा आंसर निगेटिव नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी आंसर है उसको 625,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना 1656.06.34, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है पीवी रुपीज में। पूरा प्रोसेस समझाइए कैसे सॉल्व किया, पहले इसका इनवर्स निकाला, उसमें से वन माइनस किया, बट वन माइनस करने के बाद आंसर भी निगेटिव आता है, बट हमारा आंसर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं, क्लियर। उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 625,000, क्लियर। कुछ डाउट नहीं, अगर डाउट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं डायरेक्टली। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 69, केतन परचेस अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक, उसने सेकेंड हैंड मोटर बाइक परचेस की विथ ए इनिशियल पेमेंट ऑफ ₹20,000। तो इनिशियल पेमेंट क्या होता है, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट बोल रहे कि कितना किया, ₹20,000। ओके, एंड सिक्स मंथली इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट भी किया बट कैसा, सिक्स मंथली, कितना इंस्टॉलमेंट है 5,000 का, तो सी इज इक्वल टू 5,000, ये समझा आपको। ओके, अगर सिक्स मंथली कर रहा है तो के इज इक्वल टू कितना होगा, 2, ज्यादा क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, सो आर इज इक्वल टू 12%। आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, आर अपॉन के इंटू 100, तो आर के जगह 12, के की जगह कितना आएगा 2, और डिवाइडेड बाय 100, शायद 0.06 ना, 0.06, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया, फाइंड द प्राइस ऑफ बाइक, बाइक की प्राइस निकालनी है। अब बाइक की प्राइस निकालने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि 5,000 के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालो, उसमें डाउन पेमेंट ऐड करना, क्लियर। सेम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते, पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई, वन माइनस वन प्लस आई रेस टू माइनस के, ठीक है, सी के जगह 5,000। अरे कितने साल के लिए किया है, कितने साल के लिए, एन इज इक्वल टू नहीं, सिक्स मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000। अरे हाँ 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 हाँ, एक्चुअल में मुझे लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं वो, सिक्स मंथली इंस्टॉलमेंट, ये समझ में आया, सिक्स मंथली, हाँ उसने 6 महीने इंस्टॉलमेंट भरा है पर मंथ, क्लियर। हाँ तो एक ध्यान देना, के इज इक्वल टू तो 12 आएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट है, और कितने महीने के लिए कर रहा है, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए तो एन इज इक्वल टू 6 मंथ आ रहा है, ये क्लियर है। बट 6 मंथ हम मंथ नहीं यूज करते, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे यूज करोगे, 6 डिवाइडेड बाय कितना, अरे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइडेड बाय 12, हाँ तो हाफ ईयर, हाँ 0.5 भी कर सकते हो, हाफ ईयर, ये समझा मैंने क्या किया। हाँ अब ये k इज इक्वल टू 12 आ रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली 0.01, ये समझा क्या गड़बड़ हुई। उन्होंने एक वर्ड दिया था 6 मंथली, मुझे लगा कि वो 6 मंथली पेमेंट कर रहा है, ओके क्लियर। अब c के जगह 5,000 लिखोगे, i के जगह 0.01 आएगा, 1 माइनस 1 प्लस i इज 0.01 रेस टू माइनस k, k इज 12, n इज हाफ, n इज हाफ ना, ये समझा हाफ, हाँ अब ये हाफ मतलब ये डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे क्या आएगा 6, आराम से सॉल्व करना, ये 5,000 है, पॉइंट नीचे मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 5 लाख होता है, ये क्लियर है, 5 लाख कैसे है, हाँ। उसके बाद 1 माइनस ये 1.01 रेस टू माइनस 6, अब आपको इसको सॉल्व करना है, 1.01 रेस टू माइनस 6 बताओ कितना आता है, 1.06 1520, ठीक है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 0.06, हाँ जो कुछ भी आंसर आता है ना उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 लाख से,
50,000 है, 5 लाख 30760.7 ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, बाइक की प्राइस नहीं है। आपने पहले भी कितना डाउन पेमेंट किया है 20,000 का, इसको इसके साथ ऐड करना और बाइक की प्राइस निकालना। ओके मैं बता दूँ कैसे, बाइक प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 30760.7 उसमें कितना ऐड करना है 20,000, कितना आएगा 50760.7 ठीक है, आंसर देखना करेक्ट है क्या। अरे क्या गड़बड़ है, पूरा परफेक्ट सॉल्व किया, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे डिवाइड इज इक्वल टू, हाँ ये नहीं किया, डिवाइड इज इक्वल टू, मुझे लगा कि डायरेक्टली आंसर बताया, निगेटिव है ना इनवर्स, इसका जो कुछ भी वैल्यू आ रहा है ना फिर से टाइप करना है 1.061520, ये फिर से लिखना। ओके 0.9420 इतना काफी है ठीक है, उसमें से 1 सबट्रैक्ट करना। ओके जो कुछ भी आंसर आया उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करना, कितना 9.78 ना, हाँ यहाँ पे ऐड करना उसमें 20,000 ना, 28977.38 अब बराबर है ना 48977.38 ठीक है। एक गलती यहाँ पे, क्या गलती समझे, इनवर्स है, इनवर्स नहीं निकाला हमने, डायरेक्ट वैल्यू निकाले उसमें ठीक है, लिखो। ओके एक चीज नोटिस करना, देखो हमने झंझट क्या की, एन इज इक्वल टू 6 मंथ कंसिडर किया, उसके बाद उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट किया ठीक है। अब हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, के इज इक्वल टू 12 था, मंथली इंस्टॉलमेंट कर रहे और 1/2 मतलब हाफ ईयर, ये सॉल्व करके आपका आंसर क्या आया 6, तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट तो वैसे भी वो बोल रहे थे ना, तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि के एन आपका 6 है। अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि 8 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो के एन ही आपका डायरेक्टली कितना बन जाएगा 8 ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब के इज इक्वल टू 12 बनता है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/12 ना, ये समझा आपको 8/12 क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 8 मंथ पेमेंट कर रहे हो, तो मंथ में कंसिडर नहीं करते हो, ईयर में कन्वर्ट करते हो, तो 8/12 तो ये वैसे भी कैंसिल होकर डायरेक्टली आपका 8 ही बनने वाला है, तो 8 मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब के एन इज इक्वल टू 8 क्लियर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आराम, क्वेश्चन नंबर 70 देखना, 70 मिल गया। आशुतोष परचेस अ इनोवा कार विद अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1,50,000, 1.5 लाख का डाउन पेमेंट है, तो पहले लिखते हैं हमने डाउन पेमेंट कितना किया है आशुतोष ने, 1,50,000 ठीक है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी पेड इन अ 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब वो डायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि के एन की वैल्यू आपकी 10 है, ये समझा, अब भी एक्सप्लेन किया है वो वैसे, नहीं तो सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओके, तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब के इज इक्वल टू आपका 4 हो रहा है, अब 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब देखो साल में 4 बार पेमेंट कर रहे हो क्वार्टरली के हिसाब से, 2 साल में 8 बार हो जाएगा, मतलब ये 2.5 साल है, 2.5 ईयर्स, नहीं समझा, सोचो देखो ना, 1 साल में आपने 4 बार पेमेंट किया, दूसरे साल में आप 8 बार पेमेंट कर रहे हो 2 साल में, और अब बचे कितने 2 पेमेंट ना, 2 पेमेंट मतलब आगे का आधा ही साल होगा 0.5, तो ये 2.5 बनता है क्लियर, मतलब टोटल 2.5 साल आप पेमेंट कर रहे हो क्लियर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखना, ये आपका n है, ये आपका k, तो 4 × 2.5 10 आता है क्लियर, तो के एन की वैल्यू डायरेक्टली वो 10 बोल रहे हैं, तो क्लियर हाँ। उसके बाद इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू गेट 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है पर एनम, पी डॉट ए, फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट Given that the price of the car is 9,000, sorry 9,60,000, price of car is ₹9,60,000, हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है, देखना कार की प्राइस कितनी है 9,60,000,
उसमें से डाउन पेमेंट कितना हुआ है 1.5 लाख, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालो। कैसे निकालोगे रे? 9,60,000 में से माइनस 1,50,000, हाँ 8,10,000, ठीक है। अब इतना रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो इंस्टॉलमेंट कितने का बैठेगा वो निकालना है, सी निकालना है, इंस्टॉलमेंट मतलब सी, रेगुलर पेमेंट, ठीक है। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 - 1 + i^2 - kn, यही सॉल्व करोगे, ठीक है। अब पी के जगह 8,10,000, सी एज इट इज, वैल्यू ऑफ आई तो निकाला नहीं, वैल्यू ऑफ आई कैसे आएगा? आई इज इक्वल टू आर अपॉन के इंटू 100, ऐसे ही फॉर्मूला यूज करते हो। आर के जगह 12% आएगा, ओके, के जगह कितना आएगा? 4 / 100, ठीक है, अदर क्लियर? हाँ, ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3, तो 0.03 आएगा। नहीं समझाए इसको? नहीं समझा। देख, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया, के क्यू 4 लिया, क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, और डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करके 0.03 आ रहा है। तो आई के जगह क्या लिखोगे? 0.03, ये 1 - 1 + 0.03 - k, अगेन k कितना है रे? नहीं, k n डायरेक्ट है दिया ना, k n की जगह मैं डायरेक्टली 10 लिखता हूँ, क्लियर? अब ये 0.03 इसको मल्टीप्लाई करेगा, करो 8,10,000 के साथ 0.03 मल्टीप्लाई करो, इतना 2,400, ओके, ठीक है, इतना। उसके बाद सी 1 - ये 1.003 आएगा ना, 1.03 सॉरी, रेस टू कितना निकालना है आपको? 10, इसकी वैल्यू है, इसके 1.03 - 10, 1.34, हाँ डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है, सॉरी, डिवाइड इज इक्वल टू 0.744-0939, ठीक है। अब इसमें से माइनस वन करना, 0.25 - 0.5 - 9060608, ठीक है। अब देखना, मुझे सी निकालना है, तो आपको मैथमेटिकली तो इतना तो पता होगा कि ये जाके उसको डिवाइड करेगा, कैलसी पे झंझट क्या होगी? फिर से ये टाइप करना, इससे डिवाइड करना, ऐसे झंझट होगी। तो क्या करो, पहले इसका इनवर्स निकालो फिर से, नहीं समझा? हाँ, डिवाइड इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू करना और उससे ये मल्टीप्लाई करना, मतलब ये अपने आप प्रोसेस हो जाएगा, सी आपको डायरेक्टली मिलता है। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड इज इक्वल टू जो कुछ भी अमाउंट आएगी उसको ये 2,43,94,956,7,1, ठीक है, इतना इंस्टॉलमेंट होगा 9,4956.71, ठीक है, देखते करेक्ट है क्या? नहीं, हाँ अराउंड तो है ना, 9,5 है ना उसका, 95,000, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे शायद लगता है कि ये आपके दिमाग में नहीं गया, मैंने इसका इनवर्स क्यों निकाला। बराबर, कैलसी पे सिंपली क्या करोगे, 24,300 को इससे डिवाइड करोगे, टाइप करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, आंसर सेम आएगा। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ऐसे करना है ना, 24,300 उसको ये डिवाइड करने वाला है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 0.255-90608, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ऊपर क्या होगा 1, मतलब आप इसका इनवर्स निकाल रहे हो ना, इनवर्स मतलब क्या कर रहे हो, डिवाइड इज इक्वल टू इसकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसको 24,300 से मल्टीप्लाई कर, आप समझा? ठीक है, नहीं तो रेगुलर प्रोसेस कर सकते हो, इसमें ज़्यादा भी नहीं टाइम जाएगा आपको, इतना टाइप करने में कितना टाइम जाता है, कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 73 देखना, क्या लिखा है? ओमिशा परचेस अ कंप्यूटर विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 10,000, तो पहले क्या पता चल रहा है हमें, डाउन पेमेंट, इसको डीपी लिखते हैं, चलो रुपीज 10,000 का डाउन पेमेंट है। उसके बाद 8 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो के एन की वैल्यू ना, ये समझा के एन कैसे 8 आया। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2,000 क्या है, सी इज इक्वल टू रुपीज 2,000, आगे बोल रहे
व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्राइस निकालने और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दिया है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है तो आई निकालना है, आई की वैल्यू आर अपॉन के इंटू 100, आर के जगह क्या लिखूँ, आर के जगह 12 डिवाइडेड बाय के 8, के कितना 12 आएगा हाँ इंटू 100, तो कितना आएगा 0.01। समझा के की वैल्यू 12 क्यों है, हाँ क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है। आप क्या निकालना है, कंप्यूटर की प्राइस, बट कंप्यूटर की प्राइस निकालने के लिए हमें इस 2000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसमें बाद में डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई वन प्लस सॉरी वन माइनस ना वन माइनस वन प्लस आई रेस टू माइनस के एन, ठीक है। वेयर वैल्यू ऑफ सी इज 2000 डिवाइडेड बाई 0.01, वन माइनस ये वन प्लस 0.01 रेस टू माइनस के जगह 12 और एन के जगह, एन भी नहीं निकाला हमने, नहीं डायरेक्टली के एन आएगा ना, हाँ माइनस के एन इज इक्वल टू 8, ठीक है। हाँ अब ये 2 लाख हो जाएगा, पे इज इक्वल टू ये 2 के ऊपर 5 0 1 2 3 4 5, ओके। वन माइनस ये 1.01 है, 1.01 रेस टू आपको क्या निकालना है 8, बाद में उसका इनवर्स क्या करोगे, डिवाइड इज इक्वल टू ऐसे प्रेस करोगे 0.92 34 83, बस इतना काफी है। इसमें से माइनस वन करना, ओके जो कुछ भी आंसर आया उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 लाख, कितना आएगा, माइनस वन किया ना, हाँ केला 1530 3.35, मतलब 15303 ऐसे वैल्यू, ओके। अब मुझे कंप्यूटर की प्राइस निकालनी है, कंप्यूटर प्राइस कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इतनी है ना 50303.35, उसमें डाउन पेमेंट ऐड करना 10,000, कितना 25 ना 25303.35, कंप्यूटर की प्राइस इतनी है। क्वेश्चन समझ रहा है, ठीक है, हाँ मतलब एक्चुअल में कंप्यूटर की प्राइस इतनी थी, उल्टा सोचो कंप्यूटर की प्राइस इतनी थी, उसमें से डाउन पेमेंट उसने कितना किया 10,000 का, अब बचा कितना, इतना अमाउंट बचा था, इतना अमाउंट उसको रिमेनिंग पेमेंट था, बट ये अमाउंट उसने कैसे पेड किया 2000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट के, कितने इंस्टॉलमेंट 8 इंस्टॉलमेंट, ओके। आप सोचना 2000 के वो अगर 8 इंस्टॉलमेंट कर रहा है तो एक्चुअल में उसने कितना अमाउंट पेड किया 16,000, इंटरेस्ट समझ रहा है कितना आ रहा है, कोई बता सकता है इंटरेस्ट कितना आया, दिमाग लगा इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट कितनी थी, इतनी थी बचे, बट एक्चुअल में पेड कितना हुआ 16,000, तो इस इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट होगा ना 97. कितना 697, समझ में आ रहा है, ठीक है लिखो। हाँ एक काम कर रहा है, इसके बाद क्वेश्चन देता, एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 71 या 73 था ना, 71 72 74, ये सॉल्व करना, 71 72 74 यहाँ पे लिख के देता हूँ, 71 72 और 74,